नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपनी नई थाली, जिसमें है हमारी, ये देखिए हमारी बाजरे की रोटी है, और ये घी है, घी उस पे लगाया हुआ है। उसके साथ ये अचार है मिर्च का, ये है चटनी है अदरक लहसुन और मिर्च की, और उसको हम बाजरे की रोटी उसको खाएंगे हम। ये साग है पालक और सरसों का, और ये है दाल है जिसके अंदर बथुए की साग डाला हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहले घी है, इस पे घी अच्छे से लगा हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बाजरे की रोटी है, ये स्टफ नहीं है, सिंपल बनाई है विदाउट स्टफ, ये देख सकते हैं अंदर कुछ स्टफिंग नहीं है। घी है, घी इस पे लगाया अच्छे से ताकि टेस्ट है। फर्स्ट ट्राई करते हैं साग के साथ। काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ये देखिए जो चटनी बनाई है, इसमें है लहसुन है और मिर्च है, इसे पीसा नहीं है, जस्ट क्रश कर रखा है, और उसमें हल्का सा सरसों तेल और नमक डाला है। और ये दाल के साथ भी ट्राई करते हैं, काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका जो चटनी है बनी हुई। दाल के साथ भी काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है, जो घी पे लगा है उससे तो टेस्ट काफी बढ़ गया है। और वैसे भी अगर इसको हम खाते हैं तो घी नहीं होगा तो उतना अपना टेस्ट नहीं आता। और ये है अचार है मिर्च का, ये अंदर से स्टफ्ड है मसाला, इसमें लाल मिर्च होती है उसका अचार है ये। तो आइए इसके साथ भी ट्राई करते हैं। काफी अच्छा टेस्ट आया इसके साथ। ये है जो रेड चिली होता है बड़ी वाली, उसके ना स्टफ करके इसका पिकल बनाया हुआ है अचार। और जो बेसिकली बाजरा होता है, इसका जो रोटी जो बनता है, ये तो एक तरह से प्लेन बनता है, एक होता है स्टफ करके बनाते हैं जो आलू स्टफ होता है इसके अंदर, वैसे बनाते हैं। और ये मोस्टली लाइक राजस्थान है वहां बनता है, इंडिया में काफी जगह बनता है, बट मोस्टली जो बाजरा उगता है वो राजस्थान है, यहाँ पे होता है, हरियाणा में होता है। काफी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। और दोस्तों बताता हूँ, ये जो बाजरे की जो रोटी होती है, ये मोस्टली विंटर जो सीजन होता है, सर्दियाँ, इसमें बनती है घरों में और खाई जाती है। वैसे तो ये गैस पे बनी है, बट हाँ जो चूल्हा होता है उस पर बनता है, तो उस पर काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है, अपकमिंग वीडियो, आपके पास जल्दी जल्दी आए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगा ये डिश। तो ये जो चटनी है काफी स्पाइसी है,
मतलब अगर आप खाएंगे तो काफी अच्छा लगेगी इसके साथ। और दोस्तों अभी मेरा ये रहेगा कि इस विंटर सीजन में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो अपलोड करूं जो ज्यादातर इंडिया में विंटर सीजन में सब्जियां या फिर जो डिशेस बनती हैं, खासतौर पर जैसे बाजरे की रोटी है, मक्की की रोटी या पराठे हैं, वो उनकी वीडियो अपलोड करने ट्राई करूंगा। और ये देखिए मेरा जो बाजरे की रोटी थी तो फिनिश हो गई, और मैंने जो सर्व करा था जो पालक और सरसों का साग था ये था, और जो दाल थी, और इसमें अगर घी जो डाला गया था वो इसलिए था कि ताकि टेस्ट काफी अच्छा रहे, अगर घी नहीं रहेगा तो टेस्ट नहीं आता इतना। और जो चटनी थी, अगर मैंने जो खाया तो चटनी के साथ काफी अच्छा लगा था, थोड़ी स्पाइसी थी चटनी लेकिन इसके साथ जो टेस्ट आया था बाजरे की रोटी काफी अच्छा है। और अभी तो ये वीडियो है अब यहाँ पे एंड हो गया है, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके सबसे पहले आए, और कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, रोक दो।